चुनाव हुआ, जहाँ से भविष्य बनता है प्रधानमंत्री जी का, आज वहाँ पर योगी जी का सरकार लगभग बनने वाला है। लेकिन इस चुनाव में जो अहम बात है वो आपको समझना है, कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। नेशनल पार्टी थी, आम पार्टी जो दिल्ली तक सीमित थी, वह भी सरकार पंजाब में बनाने वाली है। उनका मुख्यमंत्री का ऐलान पहले हो चुका है और आम पार्टी भी आज देश के हर कोने में आपको अब आने वाला समय में इसका भी सरकार स्टेप बाय स्टेप आपको किसी न किसी स्टेट में दिखेगा। 2024 में लोकसभा में या अच्छा खासा संसद देने वाले हैं। आज हमारे साथ साक्षी चौक में आम पार्टी जी के जितने कार्यकर्ता जिला स्तर से लेकर छोटे कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ता सब खुशी मना रहे हैं और जानने कोशिश करते हैं कि झारखंड में आम पार्टी का क्या अस्तित्व है और आने वाले समय में आम पार्टी क्या रणनीति तैयार कर रही है। आइए सर, बोल सबको बोले सर। आम पार्टी दिल्ली में सरकार बन चुकी है, पंजाब में, गोवा में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन सर वो चीज़ दिख रहा है जो आज तक चुनाव में नहीं दिखा, झारखंड में आम पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है? जो दिल्ली के बाद हमने पंजाब को पहली बार, देश में पहली बार हमको एक पूर्ण प्रदेश मिला है। अभी तक हमने, हमारी सरकार अधूरी थी, हमने भारत को अपनी अधूरी सरकार से अपने कामों को दिखाया है। आज पहली बार पंजाब हमें दिया है, पंजाब के लोगों ने हमें प्यार किया, हमें अपना पूर्ण राज्य दिया है, हमारी ओरिजिनल, और हम वास्तव में भारत के लिए क्या करना चाहते हैं और भारत को क्या दिखाना चाहते हैं, हम अपने बंगाल के, अरे पंजाब के सूबे से हम लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे। जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड में हम नींव रख रहे हैं। उदाहरण अभी तक हमारा दिल्ली रहा है, दूसरा उदाहरण अभी हमारा पंजाब बनेगा। और हम जो किए हैं, हम केवल उसी बातों को पब्लिक के सामने रखते हैं, हम हवा हवाई में बात नहीं करते, हम केवल और केवल अपने काम पर विश्वास करते हैं और अपने काम के भरोसे ही हम आम पब्लिक में जा रहे हैं। और झारखंड में भी हमारी यही बुनियाद है, जो हम दूसरे जगह किए हैं वही हम यहाँ भी करेंगे। हमारा उदाहरण यही होगा, दूसरा उदाहरण मेरा पंजाब होगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बहुत अच्छा दो इंसेंटिव है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, आज वैसा काम कोई सरकार नहीं कर रही है। बिल्कुल आपने सत्य कहा, बिल्कुल ये उनको मैंडेट मिला है, बिल्कुल सच्चाई है। और आज की तारीख में लोग इस बात को समझ चुके हैं कि धर्म जाति में बंटकर हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अगर चाहिए तो हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को चाहिए। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपने आज पंजाब में देखा कि पंजाब के लोगों ने दिल्ली के कामों को महसूस किया और उसको परिणाम में परिवर्तित किया। पूरा भारतवर्ष इस दिल्ली के कामों को, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में कामों को पसंद कर रहे हैं, और पूरे जब भारत में इसको पसंद किया जा रहा है तो बहुत ही निकट भविष्य में ये प्रबल संभावना है और मेरा यकीन है कि पूरे भारतवर्ष में इस ये जो महसूस किया जा रहा है इसका परिणाम ज़रूर मिलेगा, और कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। जब भारत अशिक्षित और स्वास्थ्य अगर उसका अच्छा नहीं होगा तो इसकी परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है। हम स्वस्थ शरीर और अच्छी शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और हम पूरे हिंदुस्तान को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। जब पूरा एक एक भारत वर्ष के लोग ये शिक्षित होंगे तब ये परिकल्पना पूरी हो सकती है कि दुनिया के अंदर में हम विश्वगुरु बनेंगे। और ऐसा मेरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इन चीज़ों को प्राप्त करेगी और बहुत जल्द प्राप्त करेगी, और पूरे भारत वर्ष के लोग इसका रिएक्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव रिएक्शन देंगे, ऐसी मेरी आशा है और उम्मीद है। मैडम बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दिल्ली में भी महिलाओं को काफ़ी सम्माननीय स्थान मिला है, पंजाब में भी महिलाओं को सम्मान दिया। हमारी यह पार्टी, आम आदमी की पार्टी, सिर्फ महिलाओं को झंडा नहीं धुलाती है बल्कि उनको उचित स्थान भी देती है। इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में पूरे शहर में कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले महिलाओं पर ध्यान दिया गया है, उनको निःशुल्क सेवा दी गई है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, यानी कि बेसिक रूप से महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है हमारी पार्टी।
आम आदमी की पार्टी, ये किसी भी पार्टी ने ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो जरूर इसमें महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और आगे भी पूरे देश में सम्मान मिलेगा, इसलिए पूरी जोर शोर से महिलाएं इसके साथ जुड़ रही हैं ताकि उनको सम्मान मिले, उनके स्वास्थ्य का लाभ मिले। और जिस तरह से वहाँ हो रही है, दिल्ली में हमारी पार्टी काम की, इसी को देखते हुए पंजाब में भी फतह हासिल की है, और इसी को देखते हुए पंजाब में जिस तरह से हमारी पार्टी काम करेगी तो पूरे देश में फतह हासिल करेगी। और जिस तरह से कांग्रेस का आज कांग्रेस पूरी तरह से उसका जड़ उखड़ चुका है, उसी तरह से भाजपा का भी जड़ उखड़ जाएगा। और हमारे देश में सेंट्रल टीम में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार आएगी। मैं गणपति करवा, पश्चिम सिंहभूम प्रभारी। आज पूरा देश जाग चुका है और दिल्ली का मॉडल देखकर आज पंजाब की जनता हमारी पार्टी को विश्वास की है। अब पंजाब का मॉडल देखकर पूरे देश की जनता हमारे पार्टी को विश्वास करेगी, यही हमारी कामना है। अगर पास्ट और प्रेजेंट को कैलकुलेशन किया जाए, जोड़ घटाव किया जाए, तो उसका फ्यूचर निष्कर्ष निकलता है ये आम पार्टी का वह रणनीति जो दिग्गज बीजेपी और कांग्रेस से सीट को छीन के ला लेना, ये आम पार्टी का केजरीवाल जी का एक बहुत अच्छा रणनीति है जो हर कार्यकर्ता को और आने वाले जो राजनीतिक में कदम रख रहे हैं उनको एक सीखने का सबक है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव, एडी लाइव, जमशेदपुर, साक्षी चौक।